आज का जो ध्यान है हमारे एंसेस्टर को समर्पित है, वो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से हमारे जो रूम्स हैं उसको भी हम कनेक्ट करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने ऐसा आपको क्यों याद कराया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यू आर वेरी फ्री टू गिव ए कॉल टू मी, आ गुरु जी आपने हमारी दादी का चेहरा ध्यान करके ऐसा क्यों करवाया, मैं आपको लॉजिक बताऊं। एक चीज और क्लियर करूंगा मैं कि जैसे नाभि है ना, वो तो नाभि के ऊपर का हिस्सा, अपर स्टमक, ऊपर पार्ट ऑफ द स्टमक, अपर पार्ट ऑफ द नेवल एरिया इज कॉल्ड इंटेस्टाइन एंड लीवर, इज योर सिक्स रूम। लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमन मीन्स वेयर द प्राइवेट पार्ट एंड ऑल देयर इज योर सेवेंथ रूम। तो इफ नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज टू से बिकम अवेयर ऑफ द अबाउट अपर पार्ट ऑफ द नेवल एरिया, इट मीन्स सिक्स रूम। व्हेन आई से बिकम अवेयर ऑफ द नेवल एरिया, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेवन रूम, इट्स नॉट लुक यूज टू लुक। आई एक्सप्लेन जय टू। सो व्हेन आई से बिकम अवेयर नेवल एरिया, इट मीन्स योर सेवन हाउस, बिकॉज सेवन रूम बिकॉज योर नेवल कट, देन योर इश्यू कम आउट। एक माँ की नाभि कटकर बच्चा भागता है, वो कहाँ बच पलता बंद है, जननेंद्रियों के कारण बच्चा होता है। तो सेवंथ हाउस आपका नाभि है, जहां पर वो नाभि के ऊपर का स्थान आपका, जहां पर इंटरेस्ट है वो आपका सिक्स रूम। ओके, तो आइए आज ग्रहों के साथ, उपायों के साथ और अपने कमरों के साथ आज हम पितृ ध्यान करते हैं। ठीक है, पूरा बना ले अपना। निश्चय शुरू होता है। फील सम फोर्स इज पुलिंग नॉर्मल हाथों को सामान्य स्थिति में ले आए। फुल अटेंशन ऑन योर थर्ड आईज, अपने आज्ञा चक्र पर अपना पूरा ध्यान है। टेक वन लॉन्ग डीप ब्रेथ, बिकम अवेयर ऑफ योर ओन नेम एंड बॉडी, अपने शरीर पर अपने नाम पर अपना ध्यान दें। बिकम अवेयर ऑफ योर ओन बॉडी एंड योर नेम।
स्वयं के चेहरे पर अपना ध्यान ले आए। सेवन ब्रेथ, सात श्वासें भरे हैं, ये लंबी गहरी श्वास उन्मुख से धीरे धीरे खाली करेंगे। कीप एन अटेंशन ऑन योर थर्ड आई, सेवन ब्रेथ कीपिंग अटेंशन ऑन योर थर्ड आई, इनहेल ब्रेथ एंड अटेंशन ऑन द थर्ड आई, एक्सहेल बाय माउथ स्लोली 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 स्टार्ट।
age of 7 years. Your name is recalled by your parents more than 100 times in a day. 7 वर्ष की आयु तक आपका नाम आपके माता पिता रिश्तेदारों द्वारा बार बार पुकारा जाता है। 7 वर्ष से 18 वर्ष के बीच और कम होता गया, और कम होता गया। योर नेम इज यूज आफ्टर 18, नॉट मोर देन 30 to 40% इन अ डे। After you got education, employment, 10-20% people, relatives used to take your name. New name is joined with you, Papa. सुनते हो after marriage the new roles join. Your name is disappear only few percent. कुछ चंद लोगों तक आपका नाम सीमित रह गया। वो जब तक शरीर है, जब तक आपका नाम है, ये शरीर जाने के बाद मुश्किल से 2 या 3 वर्ष समाज के लिए तो नॉट मोर देन 3 मंथ, आपके अपनों के लिए 1 साल, चंद जो आपके बहुत प्रियतम है वह जिंदगी भर वही नाम जिसके जयकारे लगते थे वही नाम एक उम्र के बाद बहुत कम हो गया। और वही कहा नाम और शरीर के साथ समाप्त थे। तो आपका पुअर बेटे बेटी से जिंदगी शुरू की, भाई बहन जुड़े, दोस्त जुड़े, टीचर्स जुड़े, पत्नी या पति जुड़े, ससुराल पक्ष जुड़ा, आपके अपने बच्चे हुए, वह जुड़े। एक उम्र के बाद बिछड़ना, जो आपसे जुड़े हुए थे उनका बिछड़ना आपसे शुरू हुआ और एक समय आप भी इस पश्चात शरीर को छोड़कर जाएंगे। एक फूल मुरझाता है, एक दिन के जीवन में न जाने कितने फूल और पैदा करने की ताकत अपने बीजों के माध्यम से दे जाता है। एक पेड़ का फल सभी लोग खाते हैं, लेकिन उसके बीज भी न जाने कितने और फलों के पौधे की ताकत दे जाती है। इफ वन फॉरवर्ड डाई इट गिव्स अ लॉट ऑफ सीड दैट मोर एंड मोर फ्लावर कैन कम आउट। इफ वन फ्रूट दैट द फ्रूट सीड आर एबल टू डू द मोर एंड मोर ट्री ऑफ द प्लांट ट्री फ्रूट। वॉट वी आर लिविंग हियर, हम क्या छोड़ कर जा। जस्ट चेक योर सेल्फ,
आपसे बात करें। कार की हर शय का संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक भस्म से आना है, एक भस्म में जाना। संसार की हर क्षय का इतना ही फसाना है, तू भस्म से आना है, एक भस्म से आना। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये कोई राही समझा न जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, तू भस्म से आ। एक पल की पलक पे है एक पल के झपकने तक मुझे सुहाना है। संसार के हर शय का इतना ही फसाना है, इतना ही फसाना है। पितरा गढ़ा यह विद्म है, जगतधारी नदीम है, तन्नो पितृ प्रचोदया कुतो पितृ शांति कैसे बोलू, फ्रीडम है क्योंकि लोगों को जो बीतने होता लगे अपनी आंखें खोल सकते हैं, कवर बाय राइट है। पानी में कुछ उंगलियां डालकर महिलाएं लेफ्ट हैंड डालेंगी, जेंट्स राइट हैंड डालेंगे, थोड़ी फिंगर लेकर जल को थिंक अबाउट योर एंसेस्टर, थोड़ा छिड़क दें दक्षिण दिशा की ओर एंड ड्रिंक द वाटर।